connected with help of carbon or brushes. Carbon brushes. So there is no chance of wiring. There is no chance of wires getting wounded in themselves. So, वो वायर्स मूव ही नहीं करती, ये वायर्स अपनी जगह पे, झंझट खत्म हो गए मेरी, कनेक्शंस बने हुए हैं, एक्सेल घूम रहा है और वायर टूट नहीं रही है, ठीक है। अभी सेकंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो कैसे सॉल्व हुई, ये तो पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई स्प्लिटरिंग के हेल्प से, सेकंड प्रॉब्लम भी स्प्लिटरिंग से ही सॉल्व होती है, राइट। तो एक एक स्टेप समझाऊंगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पहला स्टेप समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। By the time coil rotates by 180 degree, direction of current in the coil, gets reversed. कैसे हुआ ये जादू, आओ देखें, यही जादू सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंस। सो समझो ये आपकी वायर है, ये वायर है आपकी और ये ऐसे आ रही है, ठीक है। सो ये रहा आपका सेल, ये रही आपकी वायर, इधर से आए इधर, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, करंट इधर से इन होगा और इधर से आउट होगा हमेशा, बराबर है। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल से एंड होता है, क्या आपको बराबर लग रहा है? बोल दो। हाँ सर। यस सर। सो ये वाला से करंट जा रहा है और ये जो चीज है ना, ये तो ब्रश से कनेक्टेड है, ये ब्रश से कनेक्टेड है सर, और इसके ऊपर जो है सब कुछ फिक्स है। तो जैसे ये देखें, ये ऐसा ब्रश है, ऐसा ऐसा लगाया हुआ, ठीक है। तो यहां से वायर ऐसे लगी हुई है और इसके ऊपर ऐसी कॉइल जमा रहती है, ठीक। अब ऐसा दिखाता हूँ, तो कॉइल इसके ऊपर ऐसे रहती है बड़ी सी, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कॉइल इसके ऊपर रहती है, ठीक है। ये पूरा रोटेट होने वाला है, ऐसा कॉइल रोटेट होता है, देखा, कॉइल के एक एंड ये बाहर की तरफ आएगा, ये अंदर की तरफ, साथ साथ में सब घूम रहा है, आपको दिख रहा है, ये एक्सेल घूम रहा है, एक्सेल के साथ साथ ये घूम रहा है, स्प्लिटरिंग दिख रहा है? यस सर। ओके, तो ये जो चीज होती है ये ऐसा घूमती है और यहाँ ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा अलग कलर इसलिए दिखाया कि जो ब्लैक है इससे कलर इससे अंदर जा रहा है और इससे बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब देखो, सिर्फ स्प्लिट रिंग पे फोकस करना, अब धीरे धीरे स्प्लिट रिंग जब घूम रही है, अभी ये स्प्लिट रिंग ऐसे थी, आधे ऐसी आधे ऐसी थी, आधे ऐसे थी आधे ऐसे थी, ये वायर ब्रश है और ये वायर ब्रश है ब्लैक वाला, ये ठीक है, ये फिगर। अब ये घूमेगा, घूमेगा तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन आगे चला जाएगा ऐसा ऐसा, और ब्लैक वाला पोर्शन जो है ऐसा आ जाएगा ऐसा। तो ये जो पोर्शन है वो ऐसा हो गया और ये जो पोर्शन है वो ऐसा हो गया, ये दिखा, हेलो सर, ब्लू वाला पोर्शन नीचे जाएगा और ब्लैक वाला पोर्शन ऊपर जाएगा ना? वो ठीक है, घुमा रहा हूँ मैं, रोटेट कर रहा हूँ, ऐसा रोटेट कर रहा हूँ, तो ब्लू वाला पोर्शन ऐसे जा रहा है, ऐसे ये ऐसा हो गया, थोड़ी देर में ब्लू वाला पोर्शन इसके साथ कांटेक्ट छूट जाएगा और इसके साथ टच हो जाएगा, वो देखो
और अगले ओके फिगर सर समझ आ में गया सर, वो जो जो बीच का जो स्प्लिट का एरिया है वो मोमेंटम की वजह से छूट जाता होगा और फिर वापस टच हो जाता होगा। हाँ शाबाश, लेकिन उल्टा टच हो जाता है, ये ओके रिंग सर वही इसके बोल रहा साथ हूँ, टच हो गए, हाँ, और ये रिंग इसके साथ टच हो गए। काम तो सर उसको वही करना है। हाँ तो अब ये देखो, अब करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, ये देखो अब करंट इससे, पहले करंट किससे जा रहा था, इस वाले एंड से, ये जो ब्लैक वाली रिंग है ना, इससे करंट अंदर जा रहा था, अब ब्लू वाली रिंग से अंदर जाएगा, ब्लैक वाली रिंग से बाहर आएगा। तो हाफ सर्कल के बाद पोलैरिटी चेंज हो गई, ये जो ऐसे रखा हुआ था यहाँ पे मेरी रिंग है, ये ऐसे निकला, वो दिखा नहीं पा रहा मैं, एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा मॉडल एक बना के लाना था बट मैं नहीं बना पाया, तो इसको ऐसे जब घुमाता हूं मैं, तो ये रिंग पहले इसके साथ टच में रहती है, ये इधर पे एक रिंग है वो इसके साथ टच में रहती है, इधर वाली इसके साथ, हाफ के बाद घूमने के बाद ये इसके, दूसरी वाली इसके साथ टच में आया, पहली वाली इसके साथ चली जाती, ठीक। तो अब इसकी वजह से जादू क्या हो गया यहाँ पे, तो देखना क्या जादू हुआ। तो फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्या बोला, बाय द टाइम कॉयल रोटेट बाय 180 डिग्री डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉयल गेट्स रिवर्स, क्या ये चीज आपको कन्विंसिंग लग रही है? यस सर। ये फील्ड था, ये मेरी कॉइल थी, इस पे करंट नीचे आ रहा था, इससे ऊपर जा रहा था, जिससे नीचे आ रहा था करंट उस पे फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था, ये एंड पे फोर्स बाहर लग रहा, ये एंड पे अंदर लग रहा, घूम के यहां पहुंच गए, यहां पे अटक गया। लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन आती है, इसमें करंट जो नीचे था ना, इसका करंट रिवर्स हो जाता, इससे ऊपर जाने लगता, इससे नीचे, तो जैसे इससे करंट ऊपर जाने लगता है, इस पे फोर्स अंदर लगने लगता है, तो फिर से घूम जाता है, और जैसे ही इतना घूमा, फिर से करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, अब इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो फिर ऐसा घूम गया, फिर ऐसा घूम गया, फिर ऐसा घूम गया, फिर ऐसा कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। नहीं मजा आया? नहीं समझा सर। अंडरस्टैंड? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको नहीं समझा बिल्कुल इम्पेशेंट नहीं होना, मैं फिर समझाता हूं, ध्यान देना, इस बार थोड़ा बड़ा सा लेके आया हूं मैं कॉइल, ये देखो ये ऐसा, इस एंड से नीचे जा रहा था, ध्यान देना, ये एंड से नीचे जा रहा था करंट, ये एंड से ऊपर जा रहा था, तो जब करंट नीचे जाता है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, और जब अंदर जाता है तो करंट इधर था, तो करंट फोर्स अंदर की तरफ लग रहा था, ये याद है आपको तेजस? हाँ सर। ठीक है, तो ये एंड से अभी करंट बाहर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये साइड से करंट नीचे जा रहा है, ये साइड से करंट ऊपर जा रहा है, तो ये किधर, इस पे फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, इस पे फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। यस सर। तो आप मन में सोचो ये ऐसा खींच रहा था, ऐसा हो गया, जैसे ही ऐसा हो गया, अब इसको इधर खींचो, इसको इधर तो घूमेगा कैसे, नहीं, लेकिन हुआ क्या, जो ये करंट नीचे था ना, इतना घूमने के बाद इसमें करंट उल्टा हो गया, अब इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसमें करंट नीचे आ रहा है, तो इस पे आप फोर्स किधर लगेगा, इस पे फोर्स अब अंदर की तरफ लगेगा, इस पे बाहर की तरफ लगेगा, तो ये गया अब अंदर की तरफ, हाँ ये गया अंदर की तरफ, अरे मार कर बेटा मिट जाएगा, अब जैसे ये इधर आया तो फिर से करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, इस पे इधर लगने लग गया, इस पे नीचे, तो फिर घूम के यहाँ चला गया, फिर करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो इस पे फोर्स इधर लगने लग गया, इस पे फोर्स इधर वही लग गया, करते करते वही सर बार बार होता रहेगा, मोमेंटम के स्प्लिट रिंग के बीच का डिफरेंस चला जाता होगा, स्पीड मेंटेन होती होगी, वो जरा सा रहता है, तो इतना तो वो इनर्शिया की वजह से, मोमेंटम की वजह से आगे निकल गया। अगर स्प्लिट रिंग ना इस्तेमाल हो कि एक पूरी रिंग इस्तेमाल की होती तो सर वही काम कर, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बेटा, फिर तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फिर तो सब खराब हो जाएगा। कैसे सर? अरे ये ऐसे लगा दोगे, ये सेल है, ठीक है, तो करंट यहाँ से ऐसे घूमेगा ना, कॉइल में तो जाएगा ही नहीं ना। यस सर। अरे ये तो सीधा आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, सीधा वायर ही जोड़ दिया ना, समझ लो, ओके, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कॉइल में करंट ही नहीं जाएगा ऊपर, तो वो कॉइल में सर्किट, मतलब मैं चाहता हूँ करंट यहाँ से घुसे, इधर कॉइल में घूमे और फिर यहाँ से निकले, अगर ये फुल रिंग होती थी तो यहीं से घूम के यहीं से चला जाता था, ऊपर जाता ही नहीं, करंट कॉइल में जाएगा। सर आपने करंट की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गई?
मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में, आपने कोई झंझट ही नहीं ना। सर मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है मोटर के अंदर? अच्छा वो देखो, अगर आप छोटी छोटी मोटर्स लेके आओगे ना, टॉय मोटर है, अभी मेरे सामने मेरे बच्चे खेल रहे थे, देखो ऐसी एक मोटर थी, इसके अंदर मेरे पास हाँ, तो उसको खोल के देखना, अंदर एक प्रॉपर मोटर लग रही है, मैग्नेट लगी रहती है, एक मैग्नेट रहता ही है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो छोटे छोटे मोटर्स में परमानेंट मैग्नेट हो जाते हैं, बड़े मोटर्स में परमानेंट मैग्नेट में इतनी ताकत नहीं होती है कि काम कर सके, तो उसके लिए फिर से एक अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। तो एक करंट होता है जो पहले उसको मैग्नेट बनाता है फिर दूसरा घुमाता है। छोटे छोटे मोटर्स में जहां पे कम लोड घुमाना होता है तो उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉरी जो प्रॉपर मैग्नेट होती है ना, वो प्रॉपर मैग्नेट से काम चला लेते हैं। नहीं अगर आप टॉय वाले जो मोटर्स होते हैं, जो खिलौने वाले मोटर्स, जैसे खिलौने की मोटर थी, इस पर खोल के देखोगे तो अंदर एक मैग्नेट लगा रहेगा, राइट? तो वहां पे तो प्रॉपर मैग्नेट ही मैग्नेट फील्ड बना लेता है। बट इफ इट इज अ लार्ज मोटर, इफ इट इज अ लार्ज मोटर, देन इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज होता है वहां पर, वहां पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज रहता है। अरे समझ में? यस सर। So, वो स्प्लिट रिंग यूज करने से हमारे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, वो स्प्लिट रिंग यूज करने से दोनों प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाती है। समझ में आया? यस सर। यस सर। दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक मोटर इज डीसी, सॉरी मतलब मोटर कैसे वर्क करता है वो चीज। तो इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करती है इस प्रिंसिपल पे, किस पे? अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है एंड इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड टेंड्स टू रोटेट दैट कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड टेंड्स टू रोटेट दैट कॉइल, उस कॉइल को रोटेट करने की कोशिश करते हैं। फिर स्प्लिट रिंग के हेल्प से दो जो मेजर हर्डल्स है हम उसको ओवरकम कर लेते हैं एंड हमारी मोटर कंटिन्यूसली चलते रहती है। ओके, आई होप सब कुछ समझ में आया। यस सर, सब समझ आ गया। हाँ, ये चीज तुरंत आप बुक से रीड कर लेना, एक बुक से रीड कर लेना, दो बुक से रीड कर लेना, इंटरनेट पे यूट्यूब में एनिमेशंस पड़े होंगे देख लेना, राइट? एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अभी नहीं किया तो 10 दिन के बाद ये सब भूल जाओगे। सो आज ही वीडियोस देख लेना, एनिमेशंस देख लेना, कहीं पर नेट पे मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे एनिमेशंस मिलेंगे, तो उससे आपको विजुलाइज हो जाएगा, दिख जाएगी चीजें अच्छे से, राइट? मैंने कोशिश करी है बट मुझे मालूम है ये यहाँ पे समझाना उतना इफेक्टिव नहीं होता, सामने होते तो बात अलग थी, या तो फिर एनिमेशंस के हेल्प से बहुत अच्छे से समझा सकते हो आप। तो एक बार आप देख लेना नेट पे, ठीक है? और अगर कहीं फंस जाओ तो फिर से मेरे को नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके, तो ये हो गया हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर खत्म, ठीक? तो इस हाफ चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? करंट था, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड था, ये हाफ ऑफ द चैप्टर था। क्या? करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? आ रहे सुन में? लॉन्ग टाइम बैक इट वॉज बिलीव दैट मैग्नेटिज्म इज इफेक्ट ऑफ और मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय परमानेंट मैग्नेट्स ओनली। इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड वॉज प्रोड्यूस्ड बाय परमानेंट मैग्नेट्स ओनली। वो बहुत टाइम के बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट ही मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। So charges when at rest, charges when at rest produce electric field only, and charges when in motion produce electric as well as magnetic field. ये समझ में आ गया? तो जहां current है वहां magnetic field है। लोगों ने सोचा कि nature में symmetry होती है, nature में symmetry होती है, तो अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड आया है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से करंट बना लो? मतलब आपके हाथ में मैं आपको मैग्नेट दे दूं, आप उस मैग्नेट से कुछ तो ऐसा जादू करो कि करंट अपने आप से आ जाए। मेरे पास कोई सेल नहीं है, कुछ नहीं है,
बट उससे किसे एक मैग्नेट के हेल्प से आप करंट बना सकते, तो ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? समझा मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। हेलो। हाँ, सो एम इज व्हाट? एम क्या है? हम चेक करना चाह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि करंट के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड जैसे बनाया आपने, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से करंट बना सको? इज इट पॉसिबल? तो आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल। दैट इज इन सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये है टॉपिक। I'll repeat. See, चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या कोशिश करी कि करंट है तो करंट के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड बना लो। अब सेकेंड पार्ट में करंट चैप्टर के हम क्या कोशिश करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके हेल्प से करंट लेके आओ, करंट इंड्यूस करो। नहीं, कोई सेल नहीं होगा, करंट अपने आप से आ जाएगा। अरेसन में उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, क्लियर है? क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? चैप्टर के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में करंट है आपके पास, आपने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, उससे क्या क्या काम करवा सकते थे आपने देख लिया। चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेट होगा, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके हेल्प से आपको करंट लेके आना। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। गुड, सो लेट्स स्टार्ट विद फैराडेज एक्सपेरिमेंट। हेलो, आप क्या बताएं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब सर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ तो आप उससे करंट बना सकते हैं। उसके हेल्प से करंट बनाएंगे। करंट के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड बनाया हमने चैप्टर के आधे चैप्टर में, चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में। अब जो बचा हुआ चैप्टर है उसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके हेल्प से हम करंट बनाएंगे। ओके, यस सर। सो फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स, फैराडेज एक्सपेरिमेंट में क्या है? एक कॉइल ली हमने, कॉइल वॉज टेकन एंड वॉज कनेक्टेड विद अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। फैराडे ने क्या किया? एक कॉइल ली एंड कॉइल वॉज कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर मीन्स व्हाट? ऐसा एक डिवाइस जिसमें थोड़ा सा भी करंट आया तो फटाक से डिफ्लेक्शन दिखाता, थोड़ा सा भी करंट आया तो सडन डिफ्लेक्शन दिखाता। राइट, तो उसने क्या किया फैराडे ने, ही टुक अ कॉइल एंड कनेक्टेड इट विद अ सेंसिटिव सेंटर जीरो, जीरो सेंटर्ड गैल्वेनोमीटर एंड ही टुक अ मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड ब्रॉट इन क्लोज to the loop. Yeah, he brought in close to the loop. RSN में वो क्या किया? उसने एक coil ली, Faraday took a coil and connected it to a center zero sensitive galvanometer and brought a north pole close to the loop. And he brought north pole close to the loop. What he observed? क्या ऑब्जर्व किया उसने? व्हेन मैग्नेट इज एट रेस्ट, व्हेन मैग्नेट इज एट रेस्ट नो करंट पास फ्लोज इन द, नो करंट फ्लोज इन द कॉइल या लूप। उस कॉइल में से, उस लूप में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। आई रिपीट, जब भी आपका कॉइल और मैग्नेट दोनों रेस्ट पे थे
तभी कोई भी करंट फ्लो नहीं होता कॉइल से, ठीक है। फिर क्या क्या उसने नॉर्थ पोल अप्रोचेस द कॉइल करंट फ्लोज इन द कॉइल इन सम इन अ डायरेक्शन इन अ डायरेक्शन। ना तो यहां पे आपको सेल दिख रहा है, कोई सेल है नहीं है, ऐसे मैग्नेट मूव किया करंट फ्लो होने लग गया, राइट। बड़ा तो मतलब जब आप स्टार्टिंग में सोचोगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, ये क्या जादू है, बिना सेल के करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा तो होता नहीं है, राइट। बट प्रैक्टिकली अगर आप एक बार देख लो, आई हैव सीन अ वेरी स्मॉल डिवाइस, सर नॉट डिवाइस, इन अ मॉडल मेड बाय सम ऑफ द स्टूडेंट्स, व्हाट दे डिड, बड़ा छोटा सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया जाना है, सिरिंज, सिरिंज सबको ही मालूम है, ऑल ऑफ यू नो सिरिंज, राइट। सिरिंज देखा ना सबने, इंजेक्शन वाला, यस सर, यस सर। वो सिरिंज में उनने ऐसा, सिरिंज में ऐसा उनने कॉइल जैसा बना लिया था, राइट, एक ऐसा कॉइल जैसा बना लिया, और इसका जो दो वायर है ये निकाल के उनने एक एलईडी बल्ब में लगा दिया, और इस सिरिंज के अंदर क्या किया था उनने, इस सिरिंज के अंदर कुछ मैग्नेट के पीसेस डाल दिए, और ये बल्ब ऐसा होल्ड करके जस्ट इसको शेक करते थे कि मैग्नेट इधर उधर हो रहा है तो ये लाइट जलने चालू हो जाती। तो बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, यू कैन ट्राई एट होम, आप खुद से बना सकते हो, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक सिरिंज लेना है आपको, एक जो नॉर्मल सिरिंज होते, सिरिंज भी कोई जरूरी नहीं है, आपके पास कुछ भी ऐसा सिलेंड्रिकल चीज हो ये ले लो आप, इसके अंदर मैग्नेट के पीसेस डाल दिए उनने, राइट, एंड फिर ऐसा एक बल्ब लिया, बल्ब लिया और ऐसा कॉइल ऐसा कर दिया, ऐसा कोई सेल नहीं कुछ नहीं, इसको रखा और जोर जोर से शेक करोगे तो जब मैग्नेट इधर उधर होता है ये बल्ब जलने लग जाता है, तो एलईडी ग्लो करने लग जाता है, राइट। तो आपको कोई सेल यहां दिख रहा था? नो सर, नो सर, नो सर। फिर भी देखो बल्ब जल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो रहा है, राइट, हो रहा है ना करंट फ्लो, अभी तो आप यकीन मान ही सकते हो कि मैं बोल रहा हूँ तो मतलब सही होगा, बाकी यू कैन ट्राई एट होम, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है वो, अपैरेटस आपके घर पे रखा होगा, आप खुद से ट्राई कर सकते हो, इट्स नॉट बिग डील। बस एक एलईडी आपको ले आना पड़ेगा, एलईडी नहीं भी होंगे तो जो दिवाली वाले छोटे छोटे बल्ब होते हैं। सवाल है सर, तो जो जनरेटर होते हैं सर, जैसे बाइक पे कोई जनरेटर बना के रखते हैं डायनमो एनमो, और सर ये सब इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी, आपने तो पता है कि मैग्नेट को इधर उधर करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लेकिन सर वो जितने में मान लीजिए जितने एम्पियर में, एम्पियर मिली एम्पियर में प्रोड्यूस हो रही इलेक्ट्रिसिटी, उसको स्टोर कैसे करते होंगे? बेटा कोई स्टोर नहीं करता, स्टोर आप दो ही जगह कर सकते हो। कैसे कैसे होती है सर? मैंने बहुत से अक्यूमुलेटर ये सब के बारे में पढ़ा, लेड एसिड अक्यूमुलेटर, निकल एम्युलेटर, कैडमियम बैटरी होता है, हाँ निकल कैडमियम बैटरी होता है। सी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है ना वो कहीं आप स्टोर नहीं कर सकते, नहीं, उसको आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ट्वेल्थ में हायर सिलेबस में जब जाओगे तो एक डिवाइस आप पढ़ोगे कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकते हो, इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, बट दैट कम्स इन हायर सिलेबस, अभी आपको समझाने जाऊंगा तो पॉसिबल नहीं है। एंड कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है दैट इज मतलब बहुत कम एनर्जी होती है, कुछ खास नहीं। सेल होता है एक डिवाइस, केमिकल सेल, ठीक है, केमिकल सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर नहीं होती, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, समझा। जो सेल है सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी स्टोर कर सकते हो आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते। फिर जब आप जरूरत पड़ेगी तो केमिकल एनर्जी फिर से उसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है जो केमिकल एनर्जी को वापस से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है,
हेलो यस सर यस सर तो सेल है एक डिवाइस जिसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड यस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं होती वो केमिकल के फॉर्म में स्टोर होती फिर वो केमिकल रिएक्शन से बेटा बहुत लंबा प्रोसेस है ये समझ लो आपकी केमिकल रिएक्शंस के हेल्प से स्टोर होती है ऐसे समझ लो केमिकल रिएक्शंस होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें क्या होता है यहां पे इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो एक कुछ सब्सटेंस होगा जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और दूसरा सब्सटेंस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसको लूज करके इसको गेन कराना है तो रास्ते में कोई एक अगर आप बल्ब लगा दो तो उस बल्ब से निकल के उसको जाना पड़ेगा बस यही है तरीका और फिर उसके बाद से जो जो जिसने इलेक्ट्रॉन पाया है फिर उसको अपोजिट कर दो फिर ऑक्सीडाइज करो फिर दूसरा को रिड्यूस करेक्ट तो उस तरह से फिर वो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास